हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रिंस सर और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आपके चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो कल हमने इंग्लिश मीडियम का वीडियो डाला था, एक सेट का डिस्कशन था। लोगों ने कमेंट करना शुरू किया, हिंदी वाला सर, अरे हिंदी वाला तो कब से डाल रहे थे, इंग्लिश वाला भी डालने दो। आज मैंने फिर से एक हिंदी मीडियम का सेट का डिस्कशन लेके आया हूँ आपके सामने। तो कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए और सेट का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज शाम में शायद एक और वीडियो डालेंगे जिसका मतलब है कि वो वीडियो किस चीज़ का होगा। तो आप लोगों का अभी सेंटअप टेस्ट हो रहा है, तो उस सेंटअप टेस्ट का डिस्कशन कराने की सोच रहे हैं और इस बार कराएंगे, मज़ा आएगा। तो आइए इसको देखते हैं, इसके सवालों को देखते हैं और कॉपी कलम लेके आप तैयार बैठे हुए हैं मुझे पता है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्त, धातु का पर्यावैद्युतांक होता है, पॉज करो वीडियो को और पहले ट्राई करो। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं आपको, और जब मैं पढ़ा चुका हूं ना तो ये सारे डिस्कशन आपके सामने अपने खुद से होने चाहिए। सवाल, धातु का पर्यावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक ऑफ अ मेटल है ना, इनफाइनाइट होता है, याद रखिए इस बात को, कभी मत भूलिएगा। धातुओं का जो पर्यावैद्युतांक होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, आप इस बात को याद रखेंगे, है ना। बहुत बार पूछा हुआ सवाल है तो ज्यादा परेशान नहीं होना, इसके लिए आसान सवाल है। अब यहाँ पे देखो, कह रहा है कि एक किसी खोखले गोलीय चालक है, जैसे यहाँ पर मैंने एक गोला ले लिया, ये खोखला है, भीतर से खाली है, और इस पर क्या कर दिया ना कि धनावेशी चार्ज दे दिया गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज को इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। मुझे लगता है कि ये वाला सवाल कल के डिस्कशन में भी था। तो किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। भाई याद रखिएगा, अगर इस पर चार्ज दिया गया, अगर भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वो जीरो हो जाएगा। ये सेंटअप टेस्ट में भी आया हुआ सवाल है आपका, सेंटअप टेस्ट में ये सवाल आया हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल अगर विभव पूछे तो वो जीरो नहीं होता है, वो क्या होता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। और ये कांस्टेंट होता है किसके बराबर होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, जितना सरफेस पे होता है। तो जितना सरफेस पे होता है उतना ही इस पर होता है। अगर देखो, अब यहाँ पे पोटेंशियल जो होता है पॉजिटिव चार्ज के कारण से आएगा पॉजिटिव, और निगेटिव चार्ज के कारण से आएगा निगेटिव। तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज आपने दिया है, चूंकि धनावेश आपने दिया है, तो धनावेशित करने पर जो विभव होगा वो धनावेशित होगा, तो धनात्मक होगा, धनात्मक होगा, ये वाला होगा नहीं, जीरो होगा नहीं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता तब होता। दो ऑप्शन खत्म, बचे आपके ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये। अब कौन सा, ये समरूप होगा या असमरूप होगा। तो देखो, यहां पर जितना वैल्यू भी का होगा उतना ही वैल्यू अंदर भी होगा, मतलब हर जगह बराबर होगा, और जब हर जगह बराबर होता है तो हम उसका समरूप नाम देते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी हो गया। समझ के बात को, कि जब किसी खोखले गोले को आप धनावेशित कर देते हैं तो सतह पर जितना विभव होता है उतना ही विभव उसके भीतर भी होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भीतर शून्य होती है, बाहर अब जितना दूरी बढ़ाओगे, दूरी बदलोगे, वो भी बदलेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन का रहा डिस्कशन। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन में आइए और क्वेश्चन नंबर तीन देखिए। कह रहा है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा यहां पर बात को, कि समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत क्षेत्र है वो समरूप है। समरूप का मतलब हर जगह बराबर विद्युत क्षेत्र है। एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है और एक प्रोटॉन रखा गया है, दोनों को रखा गया, तो उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, एक विद्युत क्षेत्र में अगर आप इलेक्ट्रॉन रखे हैं तो इस पर बल इधर लगेगा, F बराबर Q इंटू E, तो E इंटू E, है ना दोस्त। यहाँ पर हो जाएगा F बराबर M इंटू A, और यहाँ पर हो जाएगा E इंटू E। तो हमको त्वरण निकालना है, तो त्वरण जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का वो E बाई M हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, त्वरण जो होता है ना दोस्त, वो मास के व्युत्क्रमानुपाती, जितना कम मास होगा उतना ही ज्यादा त्वरण उत्पन्न हो सकता है, जितना कम मास उतना ही ज्यादा त्वरण। तो बबुआ, अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे तो देखो, यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, क्या पूछ रहा है आपका, उनके त्वरणों का अनुपात, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन के त्वरण का अनुपात। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन का त्वरण, ये रहा प्रोटॉन का त्वरण। अब बराबर किसके होगा भैया, मास के ही होगा, तो मास के होगा, तो किसका मास ऊपर किसका मास नीचे। इलेक्ट्रॉन है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का ऊपर है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे, अगर प्रोटॉन नीचे है तो व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका वो जो होगा ऊपर होगा। तो एक्सेलरेशन का जो अनुपात होगा, इनके त्वरणों का जो अनुपात होगा, वो इस तरह के मास के अनुपात के बराबर। एम पी बाई एम ई, कहां पे ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, त्वरण जो होता है द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपात होता है, और ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है दोस्त, चलिए तो अगला सवाल पे फिर से आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर फोर। क्या है क्वेश्चन नंबर फोर, आइए डिस्कशन में देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट की बीमाएं होती हैं, अरे बीमाएं नहीं, बीमा करो इसको, एक ही सिंगुलर है ना, तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है, बड़ा सुंदर सा सवाल है एप्सिलॉन नॉट की बीमा। तो ये तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो आप एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर यहाँ पे करते हो, ये वाला फॉर्मूला कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है। एक काम और कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, इतना परेशान होने की जरूरत है नहीं। क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाओ, फोर्स को नीचे लाओ, क्यू वन क्यू टू बाई एफ आर स्क्वायर देख लो, है ना। तो ये फोर पाई का तो होगा नहीं, ये तो खत्म, क्योंकि इसका बीमा तो होता नहीं है, नंबर का बीमा होता नहीं है, तो जो भी बीमा इसका आएगा वो इसकी बीमा के बराबर होगा, तो निकाल लो। हाँ, क्यू का 80, अगला क्यू का एक और 80,
नीचे फोर्स, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, और ये आर है तो लेंथ का एल स्क्वायर। तो ये देख भैया अब ऊपर भेजना शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा एम एल थ्री टी माइनस टू। तो थोड़ा भेज भाई, थोड़ा भेज भाई, इसको हो गया एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर और ए टू। देखो कहाँ पे है, देखो कहाँ पे है, एम माइनस वन एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर और ए टू। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्त, बी हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन। ठीक है, ये देख लो, ये तरीका मैंने निकाली है, इसको आप कॉपी पे नोट कर लो, है ना, ताकि बाद में भूलो ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए जरा, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, आपको पहचानना है, सदिश तो पढ़ाया हुआ ना आपको, मैथ्स में भी सदिश आजकल चल रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, सदिश का मतलब होता है किनके पास दिशा होती है, किनके पास डायरेक्शन है। तो देखो आवेश, ये तो अदिश रहा भाई, ये तो अदिश है। धारिता सी, ये भी अदिश है, धारिता। विद्युत धारिता, अरे सेम चीजें हैं सर, ये सेम चीजें हैं, ये दोनों सेम चीजें हैं, आप ऑप्शन गड़बड़ा दिए हैं, दोनों सेम चीजें हैं। इनमें से कोई नहीं जी, इनमें से कोई नहीं है, है ना, इनमें से कोई नहीं है। बोर्ड एग्जामिनेशन में इस पर एक सवाल पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जामिनेशन में एक सवाल पूछा हुआ है, और यहाँ पर जो आपका दिया हुआ होगा इनमें से कोई नहीं की जगह पे कोई सदिश राशि दे देगा। सदिश राशि जैसा सर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर यहाँ पे होता तो वो सदिश राशि होता, अभी इनमें से कोई भी सदिश राशि नहीं है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह किसके बराबर है, तुल्य है, तुल्य का मतलब बराबर होता है। कह रहा है कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, एकदम वोल्ट है, और भी बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं, W बाई क्यू, डब्ल्यू होता है जूल और इसका होता है कुलम्ब, और इसी को हम वोल्ट कहते हैं। तो ये वोल्ट किसके तुल्य है, जूल प्रति कुलम्ब के तुल्य है, तो हम कहेंगे कि वोल्ट जो है तुल्य होता है जूल प्रति कुलम्ब के। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो दोस्त, ऑप्शन कहाँ है, कोई है ऑप्शन, जूल प्रति कुलम्ब पहला नंबर ही है, पहला नंबर ही है, है कि नहीं है। देखो कितने आसान होते हैं क्वेश्चन, आपको केवल क्या होता है ना कि बस आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, अगर आपको बेसिक चीजें मालूम है ना तो आप परेशान बिल्कुल ना होए, सारे के सारे सवाल होंगे आपसे, है ना। और ये रहा बात कि आपका जैसे फॉर्मेट, एग्जाम का फॉर्मेट आपको तो मालूम ही होगा सेंटर टेस्ट जाने के बाद या पहले भी, कि जो आपका एग्जाम का पैटर्न है वही लॉकडाउन वाला ही है, आपका 200% सवाल पूछेगा जिसमें आपको आधा आंसर करना है ना, जितने सवाल पूछेंगे उसके आधे आंसर करने हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको फिजिक्स में 70 सवाल पूछेंगे, 35 के करने हैं, अगर आपके दो नंबर वाले में 20 सवाल पूछेगा 10 के करने हैं आंसर आपको, और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में 6 सवाल पूछेंगे जिसमें 3 ही करने होंगे आपको। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट में ऐसे होने वाले हैं, डबल सवाल आएंगे आधे आपको करने हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो गया है, मजा आने वाला है आपको, है ना। तो चलिए आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। एक स्थिर आवेश, स्थिर आवेश का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, वह चार्ज जो रेस्ट में हो, वह चार्ज जो क्या हो, रेस्ट में हो। और याद करो, याद करो, जब जब आप चार्ज के बारे में बात किए हो, रेस्ट में जब चार्ज होता है तो केवल एक ही चीज क्रिएट करता है और वह है विद्युत क्षेत्र। क्या है, विद्युत क्षेत्र। एक रुका हुआ आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वही आवेश जब चलने लगेगा ना तो विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। यहां पर कह रहा है कि एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो आप याद रखिए, एक स्थिर आवेश केवल और केवल क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश केवल और केवल क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो दोस्त अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 8। निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है, यह भी सवाल फेमस है, ऐसे भी सवाल बहुत बार पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। देखो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से लिया हुआ क्वेश्चन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। यहां पर आवेश जो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है, पूर्ण गुणक होता है, और एन जो होता है हमेशा जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो ऐसे कैसे निकालेंगे, ये एन निकालिए और इसको करिए आप क्यू बाई ई, माने जो भी आवेश आपके पास है उसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भाग दीजिए, और जो n आएगा वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, पूर्णांक भिन्न में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो a नंबर ऑप्शन, a नंबर ऑप्शन को अगर हम भागा दें तो 10^-19 1.6 गुना 10^-19 हई खत्म 16^32 n आ गया 2। n जब आ गया 2 इसका मतलब कि यहाँ पर ये पॉसिबल है, इसका अस्तित्व हो सकता है। वैसे ही 6.4 × 10^-19 इसको कटाओ, 1.6 × 10^-19 खत्म हो गया ये चार मर्त में। यहाँ भी n बराबर आ गया 4, इसका भी अस्तित्व संभव है। यहाँ पे देखो अगर इसको भी हम 1.6 × 10^-19 से भाग देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, इसका भी अस्तित्व संभव है। यहाँ पे भाग देते हैं 1.6 × 10^-19 ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 24/16 का मतलब 3/2 और ये भिन्न है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो सबका कटाने पर
इनका वैल्यू आ रहा है पूर्ण संख्या, लेकिन इसका भिन्न आ रहा है तो ये संभव नहीं है। तो निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है? उसी का जिसका इन का वैल्यू भिन्न में आए या दशमलव में आए, उसी का अस्तित्व संभव नहीं है। तो यहां पर आंसर हमारा कौन सा होगा? सी होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए दोस्त, पॉज करके कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। देखिए क्वेश्चन का डिस्कशन जो होना चाहिए ना वो एकदम डीपली होना चाहिए और आपके दिमाग में सीधे जाना चाहिए, समझ रहे बात को? ये चीजें तभी हो सकती है जब आप बार 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 चीजों को आप क्या करोगे, रिपीट करोगे, है ना। आ जाओ, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए, दोगुनी, आवेश के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ Q1 और यहाँ पे एक रखा हुआ है Q2, ठीक है ना, इनके बीच की दूरी R है। लेकिन अब कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं इन्हीं आवेशों के बीच की दूरी को अब क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। इनके बीच की दूरी R से अब क्या कर दीजिए, 2R कर दीजिए। तो इनके बीच के लगने वाला बल क्या हो जाएगा? भाई इसके लिए आपको, मैंने जब आपको ये चीज़ मैं पढ़ा रहा था तो ये वाली चीज़ मैंने पढ़ा रखी थी, ये वाली चीज। मान लो इस समय भैया फोर्स F लग रहा था, अभी फोर्स लग रहा है कुछ और जिसको हम बोलेंगे F1। अब मुझे ये F1 कैलकुलेट करना है, अब बल क्या होगा? F1 के जगह पे एक काम कर दो, इसको F2 बोल दो, क्योंकि F2 कैलकुलेट करना है और F1 आपका लग रहा है F। R1 आपका R दिया हुआ है और R2 आपने किया डबल। देखो पहले दूरी R था तो बल F था, अब आपने दूरी डबल कर दिया तो बल क्या होगा वही पता करना है। F1 के जगह पे F, R1 के जगह पे R स्क्वायर, F2 के जगह पे F2 और R2 के जगह पे 2R का स्क्वायर, है ना। तो एफ आर स्क्वायर एफ टू इंटू फोर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म। नया वाला जो बल होगा वो पुराने वाला बल का चौथाई हिस्सा होगा। पुराने वाला बल का क्या होगा? चौथाई हिस्सा होगा, मतलब कि बल एक बटा चार गुना कम हो गया। तो देखो नया जो बल होगा वो एक बटे चार गुना हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव को ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण। अरे टाऊ बराबर फॉर्मूला आपके पास तो होता ही है, पी साइन थीटा। यहाँ पर थीटा के जगह पर 90 बोल रहा है, साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाता है? साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो आपका आंसर भी हो जाएगा पी इंटू ई। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ये है कि नहीं है? बहुत आसान है सवाल सर, बहुत आसान है। चलिए 11 नंबर में आते हैं। कह रहा है कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। यह विद्युत क्षेत्र इधर है, देखो ये विद्युत क्षेत्र जो है जो इधर है, विद्युत क्षेत्र समरूप विद्युत क्षेत्र है, और समरूप विद्युत क्षेत्र को ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे भी दर्शाते हैं लेकिन इसका डायरेक्शन इनवर्ट हो जाता है, ऐसे भी दिखाते हैं लेकिन इसका डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को रखा गया दोस्त, अगर यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो आप इलेक्ट्रॉन को जब रखिएगा तो इस पर विपरीत दिशा में बल लगेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणावेशित कणों पर विपरीत दिशा में बल लगाती है, और यहीं पर अगर प्रोटॉन है तो इसको ऐसे बल लगाएगी, है ना, दोनों अलग अलग दिशा में बल लगेगा। लेकिन चूंकि दोनों पे आवेश एक ही है तो दोनों पर बल एक ही इतना लगेगा, इस पर भी क्यू लगेगा, इस पर भी क्यू लगेगा, मतलब इन दोनों पर लगने वाले बल का परिमाण बराबर होगा, दिशा अलग अलग होगा। तो पहला सवाल, इन पर लगने वाले बल विद्युत बल बराबर होंगे, सही है क्या? विद्युत बल सदिश राशि है, उसके साथ अगर परिमाण आया तो दिशा भी आया, परिमाण बराबर है दिशा बराबर नहीं है तो विद्युत बल बराबर नहीं होगा, यह वाला ऑप्शन कभी मत मारिएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, उन पर लगने वाले विद्युत बलों के परिमाण, जी परिमाण बराबर होंगे, हमारा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण या अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। सीधा सा बात है, E का जो वैल्यू है बबुआ R के पावर 3 के होता है, किसके कारण से? विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण से। अब E जो है समानुपाती होता है एक बटा R स्क्वायर के, ये कारण से, किसके कारण से? एकल आवेश के कारण से, एकल आवेश के कारण से। अगर आपसे पूछे कि एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E समानुपाती एक बटे R स्क्वायर, और ये किसके कारण से? ये E समानुपाती एक बटा में R के पावर 3, ये विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण से हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? ओके सर। क्वेश्चन नंबर 13, आर वन एवं आर टू त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। ठीक, एक 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 सवाल ऐसा है, पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का क्या होगा अनुपात? मतलब कह रहे हैं कि दो गोला है, ये देखो अलग अलग शेप के हो सकते हैं, इसकी त्रिज्या मैंने मान ली आर वन और इसकी त्रिज्या मैंने मान ली आर टू, बट बोल रहा है कि दोनों का पृष्ठ घनत्व बराबर है। मतलब कि अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सिग्मा बराबर, तो सिग्मा बराबर क्यू वन हो जाएगा आबाटा में एरिया हो जाएगा ए वन, तो एरिया का कर लेंगे हम पाई आर वन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सिग्मा बोलूँ तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू टू और यहाँ पर हो जाएगा पाई आर टू का स्क्वायर। चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, दोनों हिस्सा आपस में हो जाएगा बराबर, तो यहाँ पर कर लेंगे क्यू वन बटा में पाई आर वन का स्क्वायर। देखते जाओ, जो बोला है उसको केवल फॉलो करो, जो बोला है केवल उसको फॉलो करो, पाई से पाई को करो खत्म। तो देखो तुम्हारे पास आ जाएगा Q1 बाई Q2, कुछ आ जाएगा Q1 बाई Q2 जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा R1 का स्क्वायर अब बाई में
आर टू का स्क्वायर, क्यू वन बाई क्यू टू जो हो जाएगा आर वन का स्क्वायर बाई आर टू का स्क्वायर। तो ऐसी वाली चीजें आप यहाँ पे देख लो, ऐसा आ गया। अब देखो ध्यान से देखना मेरी बात को, मैं बोल रहा हूँ, कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात बताइए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात ई वन बाई ई टू जब आप निकालने जाइएगा तो के क्यू वन बाई आर वन का स्क्वायर अब भागा के क्यू टू बाई आर टू का स्क्वायर, है कि नहीं। आप ऐसा अगर नहीं भी करते हो दोस्त, यहाँ वाले चीज़ें आप अगर नहीं भी करते हो तो देखो, तो Q1 बाई R1 का स्क्वायर बराबर है Q2 बाई R2 का स्क्वायर के, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, K Q1 बाई R1 का स्क्वायर गुना, अब क्या करेंगे यहाँ पे, गुना क्या कैसे करेंगे, और भी आसान कर दे तो तुम्हारे लिए, डिवाइड टू डिवाइड ही कर दो, के Q2 बाई R2 का स्क्वायर, भागा में परेशान होने की जरूरत नहीं है, K से K हो गया खत्म। अब देखो Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर भागा, अब देखो Q2 बाई R2 का जो स्क्वायर है, Q2 बाई R2 का जो स्क्वायर है वो Q1 बाई R1 स्क्वायर के बराबर है, तो हम इसके जगह पे भी वहीं लिख सकते हैं क्या, R1 का स्क्वायर, तो ये खत्म हो गया और हमारा रेशियो जो आएगा एक रेशियो एक आ जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप नोट कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ा, है ना। चलो 13 के बाद आ जाते हैं 14। ओहो ऐसा ही एक और सवाल, R1 एवं R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों पर पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व तो बराबर है पृष्ठों पर विभवों का अनुपात बताएं। अरे भाई यहाँ पर फिर से हम लोगों के पास आ गया, ये R1 मान लेते हैं फिर से और ये R2 मान लेते हैं फिर से। अब की बार भी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो एक काम करो, पहले तो ये तुमको मालूम है कि सिग्मा बराबर करना है, सिग्मा होता है क्यू अपोन ए, तो क्यू अपोन ए मतलब क्यू बाई आर वन का स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे देख लो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q अपॉन R पाई R2 का स्क्वायर, है ना, Q1 और Q2। तो सिग्मा दोनों का बराबर है, सिग्मा अगर दोनों का बराबर है तो यहाँ पे देख लो भैया Q1 बाई पाई R2 का R1 का स्क्वायर बराबर Q2 बाई पाई R2 का स्क्वायर, पाई से पाई खत्म, Q1 बाई Q2 यहाँ से निकाल लो तुम, Q1 बाई Q2 निकालोगे तो R1 बाई R2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये चीज़ें निकल गई, आपकी काम हो गया। अब देखो V1 बाई V2 निकालना है, विभव का अनुपात निकालना है, तो विभव होता है K Q1 बाई R1 भागा K Q2 बाई R2, है कि नहीं है? मतलब ये भागा देना है यहाँ पे, मतलब यहाँ पर भागा देना है, तो भागा K Q2 बाई R2, ऐसे ही तो विभव निकालते हैं, ऐसे K Q1 बाई R1 गुना R2 बटा में K Q2, K से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, K से क्या क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देख लो Q1 बाई Q2 गुना R2 बाई R1, R2 बाई R1, R2 बाई R1, Q1 बाई Q2 कितना है, Q1 बाई Q2 कितना आया है, R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, R1 बाई R2 का होल स्क्वायर गुना R2 बाई R1। तो एक R1 से एक R1 गया, एक R2 से एक R2 भी गया, तो बच गया हमारा R1 बाई R2, हमारा रेशियो जी हो जाएगा वो R1 रेशियो R2 के क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो आंसर नंबर B होगा। तो ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बढ़िया से देख के नोट कर लो, है ना। क्वेश्चन 14 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि गॉस के नियमानुसार, ये ग्रॉस लिखा हुआ है, गॉस है, गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है। गॉस का नियम कहता है कि अगर कोई आवेश किसी बंद सतह के भीतर हो तो उससे जो फ्लक्स होता है फाई, वो आवेश का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर ए, ठीक है दोस्त, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं दोस्त। 16 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण से ये वो हो गया है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। द्रव के एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है। ये देखो द्रव को आप आवेशित करिएगा, आवेशित करने पर यहाँ पर क्या होगा, पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, अब पृष्ठ तनाव बढ़ेगा तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति जो होती है पृष्ठ तनाव घटेगा। जब आप आवेश को किसी भी बूंद को आवेश दीजिएगा तो वहाँ पर चार्ज हो जाएगा, और चार्ज होने के बाद जो है टेंशन, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव घटेगा, और पृष्ठ तनाव क्या होता है, बांध के रखने की एबिलिटी होती है, सिकुड़ने की एबिलिटी होती है, वो प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो सिकुड़ने की एबिलिटी क्या हो जाती है, घटती है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है, घट जाती है। अगला क्वेश्चन, संधारित्रों के समांतर संयोजन में, यहाँ पर समांतर संयोजन इस तरह का होता है, आप लोगों ने देखा है,
ये आप लोगों ने देखा है समांतर श्रम संयोजन में क्या चीज समान रहता है। अरे भाई इन सब पे चार्ज अलग अलग होगा लेकिन इनका वोल्टेज इनका विभवांतर क्या होगा एक समान होता है। तो विभवांतर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो क्या उत्पन्न करती है। वान डी ग्राफ जनित्र को हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं बहुत अधिक वोल्टेज पाने के लिए बहुत ज्यादा वोल्टेज लेने के लिए। तो सीधी बात है उच्च वोल्टता क्या होगा उच्च वोल्टता एकदम आंसर जो है जुबान पे है। ये सारी चीजों के आंसर जो है आपके जुबान पे है। सीधारिता के संधारित्र को क्यू आवेश देने पर उस पर संचित जो ऊर्जा है वो यू है। भाई जो ऊर्जा होती है क्यू स्क्वायर बाई टू सी होती है कि नहीं होती है क्यू और सी के टर्म में। अब क्या कह रहा है कि अब आवेश को दुगुना कर दिया। आवेश को जब आप दुगुना कर दोगे ना तो ये हो जाएगा 4 × Q² / 2C यानी कि जो आवेश है वो पहले से 4 गुना ज्यादा हो जाएगा और हमारा आंसर कौन हो जाएगा। ये भी कोई सवाल है सर एकदम लॉलीपॉप सवाल आप दे रहे हैं। अरे हमने दिए सारे बोर्ड में पूछे हुए सवाल है भैया। यहाँ पे देखो एक तार में इतना ये आई दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है आई यहाँ पर 1 माइक्रो एम्पियर यानी कि माइक्रो एम्पियर माने 10⁻⁶ एम्पियर है ना और इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना दिया हुआ है तो ये तो प्रति सेकेंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। भाई क्यू बराबर आई टी क्यू बराबर एन ई बराबर आई टी तो n निकालो तुम आई टी बटा में e i कितना है 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁶ t कितना प्रति सेकंड 1 सेकंड e का मान 1.6 × 10⁻¹⁹। भाई मेरे अब देखो 1.6 को अगर ऊपर भेजेंगे 1/1.6 तो हो जाएगा 0.625 और एक ये जब ऊपर जाएगा 10⁻⁶ × 10⁻¹⁹ तो तुम देख लो 0.625 × 10⁻⁶ ये प्लस में आ जाएगा माइनस ऊपर जाएगा तो 13 तो इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 0.625 × 10⁻³ कितना 13। ये बहुत आसान सवाल है और ऐसा सवाल एक बोर्ड में पूछा हुआ बस माइक्रो नहीं दिया हुआ केवल 1 एम्पियर दिया हुआ था तो उसका आंसर भी आप कर लोगे अभी का अभी वो भी हो जाएगा 6.25 × 10⁻¹² 22। निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। विद्युत शक्ति पी इसका मात्रक कौन सा नहीं है। शक्ति का वाट है एकदम है शक्ति का वाट है। अच्छा एम्पियर वोल्ट वी इंटू आई वोल्ट आई पी ई भी है है ना। ये देखो एम्पियर स्क्वायर वोल्ट एम्पियर स्क्वायर ओम माने कि एम्पियर का हो गया आई स्क्वायर आर ये भी होता है फॉर्मूला ये भी है फॉर्मूला ये भी है फॉर्मूला वाट वाला भी है तो ये भी है एम्पियर स्क्वायर बाई ओम नहीं एम्पियर स्क्वायर आई स्क्वायर आर नहीं होता है भी स्क्वायर आर होता है। अगर यहाँ पे होना चाहिए था अगर सही करना चाहिए था तो यहाँ पर होता कब जब वोल्ट स्क्वायर प्रति ओम देता लेकिन यहाँ एम्पियर स्क्वायर प्रति ओम दिया है तो ये वाला नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है तो कौन नहीं है ये वाला नहीं है तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा भैया सी हो जाएगा। ठीक है चलो अभी जो है क्वेश्चन नंबर 23। 100 वाट के विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है तंतु का प्रतिरोध। अरे भाई पावर दिया है पावर और फिर तुमको दे दिया है कितना वोल्ट दिया है पी दे दिया भी दे दिया आर पूछ रहा है मतलब पी भी और आर में रिलेशन तो ये पी भी और आर में रिलेशन ये रहा। आर चाहिए तुमको आर चाहिए तो आर बराबर वी स्क्वायर बाई में पी वी स्क्वायर कितना है वी स्क्वायर कितना है वी स्क्वायर कितना है 220 स्क्वायर है तो 220 × 220 अब बटा में पी कितना है 100 है तो 100 से ये 2 जीरो समाप्त हो गए और हो गया 484 ओम कितने हो गए 484 ओम। ठीक है दोस्त चलिए 23 नंबर के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 एक फैराडे बराबर होता है एक फैराडे किसके बराबर होता है एक फैराडे 96,500 कूलम के बराबर होता है। ये तो कॉपी में आपने नोट किया हुआ सवाल है आपको कब का नोट करा दिया गया है ना दोस्त। ओके अभी देखिए 24 के बाद आगे 25 नंबर सवाल पे किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है। ये चालक है ए से बी पर अगर यहाँ धारा कब जाएगा यहाँ धारा कब जाएगा जानते हैं जब इनके बीच में विभवांतर होगा इनके बीच में विभवांतर जनरेट होगा तभी इनके बीच से धारा जाएगी अन्यथा नहीं जाएगी। तो भैया क्या होता है प्रतिरोध में अंतर नहीं तापक्रम में अंतर नहीं विद्युतीय विभव अंतर जी हमारा आंसर क्या होगा सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पर। बहुत तेज जा रहे हैं सर अरे बहुत तेज जाने का सवाल है इतना ज्यादा टाइम क्यों लॉस करना इतने आसान आसान सवाल पे। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है अरे विद्युत वाहक बल क्या होता है वोल्टेज होता है और W बाई क्यू W का बीमा कितना होता है ML2T-2 और क्यू का AT ML2T-3A-1 मिला लो ML2T-3T-3A-1 ऑप्शन नंबर डी। 27 सेल का विद्युत वाहक बल सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है आप पढ़े होंगे
सेल का विद्युत वाहक बल, आपको मैंने पोटेंशियोमीटर पढ़ाया, अब पोटेंशियोमीटर में मैंने बताया था कि सेल का विद्युत वाहक बल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप विभवमापी का प्रयोग करेंगे। तो हमारा सेल का विद्युत वाहक बल मेजर करना है तो विभवमापी का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए जरा, व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग क्यों किया जाता है। व्हीटस्टोन सेतु याद आएगा तुमको, ऐसा 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 फोटो मैंने बताया था, ऐसा ऐसा है ना दोस्त, ऐसा ऐसा फोटो, और बोला था कि ये R1 होगा, ये R2 होगा, ये R3 होगा और ये R4 होगा। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित है तो R1 बाई R2 बराबर हो जाता था R3 बाई R4 के, और इसको किरचॉफ के नियम से हम लोगों ने साबित भी किया था। तो इसमें किसके लिए, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। तो व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग क्यों किया जाता है, प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देख लो भैया, साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। देखो भाई, साइक्लोट्रॉन से जब भी आप वो करोगे ना, जब भी आप किसी को त्वरित कर पाओगे तो वो होंगे केवल धनावेशित कण और किसी चीज को नहीं। तो धनावेशित कण में ये नहीं होगा, ये होगा, इसको त्वरित कर सकते हैं, त्वरित कर सकते हैं, त्वरित कर सकते हैं। किसको त्वरित नहीं करना है, तो ये इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज होता है ना, और जो साइक्लोट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज को त्वरित नहीं करता है। चलिए, 30, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल। सिंपल सी बात है, कोई भी आवेश को आप अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर एक बल लगेगा, और वो बल F बराबर QVB के बराबर होता है, और इसी को हम कहते हैं चुंबकीय बल। क्या कहते हैं, चुंबकीय बल। तो हमारा बल कौन सा होगा, QVB। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि कब QVB कब होगा। तो यहाँ पर आवेशित लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र क्या होगा। देखिए, ये भी सही है, ये भी सही है, QVB भी सही है, लेकिन हम यहां पर एंगल को जो मेंशन करेंगे तो QVB साइन, ये एक स्पेशल केस हो गया, कब, जब लंबवत प्रवेश करे, और ये किसी भी एंगल पर प्रवेश करे। तो हमारा आंसर सही वाला कौन सा होगा, ये होगा। क्यों, क्योंकि QVB साइन थीटा, साइन थीटा मतलब ये तो नहीं ना बोला कि कितना के एंगल पर हम मीटर करा रहे हैं, है ना। अगर 90 डिग्री पे बोलता तो हमारा ये हो जाता, अन्यथा हमारा आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्त, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, तो लॉरेंज बल की दिशा अगर ज्ञात करना है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करना होगा आपको। लॉरेंज बल क्या है, पढ़ें, लॉरेंज बल वही चीज है कि अगर कोई आवेश को आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल किधर लगेगा, कितना लगेगा, है ना। तो लॉरेंज के बाएं हाथ का प्रयोग करिएगा। एल लंबाई, आई धारा, एन फेरो वाली परिनालिका, परिनालिका का कारण से विद्युत क्षेत्र जो होता है μ0 nI होता है। लेकिन अगर उसमें आप एल लंबाई का कर देते हैं, एन बराबर अगर आप एन एल लेते हैं तो यहां पर बी जो हो जाएगा μ0 एन क्या होता है, एन क्या होता है, समझिएगा थोड़ा सा बात को, एन क्या होता है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, ये होता है ऐसे एन। तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो μ0 nI, तो μ0 nI अब बाई में एल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे तो ऑप्शन में कुछ है नहीं, क्योंकि चूँकि थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन आपका हो जाएगा कि ये एन क्या लिया है। हम लोग एन लिया करते थे क्या, एकांक लंबाई में। अगर ये भी एकांक लंबाई में लिया है, बड़ा एन ले लिया है, तो एकांक लंबाई में यदि फेरों की संख्या एन है तो ये कुल लंबाई की संख्या आपका ले लिया है एनएल, और उस समय आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन उस समय ये कब होगा, ये कुल फेरों की संख्या होनी चाहिए, ये तब होगा जब कुल फेरों की संख्या, अगर आपके ऑप्शन में ये वाला होता तो कुछ बिना सोचे समझे आप उसको करते, लेकिन वो तो ऑप्शन में है नहीं, अभी हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, अभी पिछले क्लास में डिस्कस किया हमने, पिछले क्वेश्चन में, कि एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र और गतिमान दोनों, तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों। सी नंबर इसका, 34 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटेबल है, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है। 35 नंबर, लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए कौन सा सूत्र है। लॉरेंज बल को, बस पांच क्वेश्चन है बस, अब लास्ट। तो लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, तो लॉरेंज बल क्या होता है, विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों का। तो भैया यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप देख लो, सीधी सी बात है, F बराबर जो होता है QE होता है, और यहाँ पर QVB साइन थीटा भी होता है, यानी कि V क्रॉस B भी होता है। तो Q को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा E प्लस V क्रॉस B। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर प्लस ना होकर क्या होगा, क्रॉस होगा, तब जाके हमारा ऑप्शन नंबर वन होगा, है ना। चलिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। 36, लेंज का नियम क्या पालन करता है। बबुआ, लेंज का नियम जो होता है ना, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, याद रखिएगा, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के, लेंज का नियम क्या है, उसी कारण का विरोध करता है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। 37, प्रेरकत्व और
इसका आप बहुत फेमस सवाल याद रखिए, एल बाई आर जो होता है समय के बराबर आ जाएगा, समय के बराबर। तो इसका जो आपका बीमा हो जाएगा टी हो जाएगा। तो टी कौन सा है, टी कौन सा है, एम जीरो एल जीरो टी, बी नंबर। याद रखो, याद कर लो इसको, बहुत बार पूछता है, बहुत बार पूछता है। 38 अन्योन्य प्रेरकत्व का क्या मात्रक होता है, कोई भी प्रेरकत्व, कोई भी प्रेरकत्व हेनरी, कोई भी प्रेरकत्व हो हेनरी, स्व प्रेरकत्व हो या अन्योन्य प्रेरकत्व हो, दोनों का हेनरी। 39 क्वेश्चन, किसी कुंडली पर स्व प्रेरकत्व की माप क्या बताती है, किसी कुंडली का स्व प्रेरकत्व का माप उसका विद्युतीय जड़त्व बताती है। याद रखिएगा क्या होगा, किसी कुंडली का स्व प्रेरकत्व का माप क्या बताता है, तो विद्युतीय जड़त्व बताता है। 39 का हो गया। अब आ गया 40, ये थोड़ा सा देख लीजिए, लेंज का नियम किसके संरक्षण के, अभी अभी मैंने देखा लेंज का नियम जो होता है किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। 41 स्व प्रेरकत्व का ऐसा, कोई भी प्रेरकत्व हो हेनरी होता है, कोई भी प्रेरकत्व हो हेनरी होता है, स्व प्रेरकत्व का, और वही अन्योन्य प्रेरकत्व का पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में था। यहाँ पे देखो, प्रेरकत्व एल में बहने वाली धारा आई है, तो गतिज ऊर्जा, अरे गतिज ऊर्जा जो होती है इसकी जो होती है 1/2 एल आई का स्क्वायर हो जाता है, 1/2 एल आई का स्क्वायर हो जाता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये देखो क्वेश्चन नंबर 43, ये बड़े छोटे छोटे और आसान आसान सवाल है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर, और ऑप्शन नंबर ए। याद होगा आपको, ये सारे सवाल तो आप खुद से कर सकते थे, ये सारे सवाल आप खुद से कर सकते थे, दम नहीं है इन किसी भी सवालों में। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, समतल दर्पण से आभासी मिलता है, यस मिलता है, अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से आभासी मिलता है, लेकिन एक कंडीशन में, कब, जब वस्तु कहां रखी जाए, आपका ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाए, तो इसके कारण से मिल जाएगा, अवतल दर्पण से मिलता ही है, तो तीनों के द्वारा मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा, तीनों के द्वारा मिलेगा, याद रखिएगा। और आखिरी क्वेश्चन दोस्त, आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, हद तेरी की, सेम सवाल तो फिर से सभी द्वारा बनता है। तो ये था आपका डिस्कशन इस सेट का, 45 क्वेश्चन का सेट, और बहुत ही जल्दी में हम लोगों ने इसको कर लिया, सारे लोगों ने कॉपी पेस्ट को नोट कर लिया, एक भी सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से एक भी सवाल आता है तो उम्मीद है आप लोग नहीं छोड़ेंगे। तो अब वेट करिए मेरे अगले वीडियो का, जो सेंटअप टेस्ट के पेपर का होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।